आज हम जानने वाले हैं कि WBC क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और इसका काम क्या होता है, या कौन से ऐसी बीमारी का पता लगाता है WBC हमारे शरीर के अंदर, या हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगल अगर आता है तो उसके कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उसको उससे फाइट करते हैं और हमारे शरीर को बचाते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ऐसी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में मिलता रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि WBC का काम क्या होता है, WBC क्या होता है। तो दोस्तों, जो WBC है उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और यह हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। जो WBC सेल्स होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया, वायरस और जो जर्म्स होते हैं इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारे शरीर को बचाता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। या ये जो WBC होता है दोस्तों, यह बोन मैरो के अंदर बनता है लेकिन ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये स्रावित होता है, यानी कि सर्कुलेट होता रहता है। क्योंकि दोस्तों WBC जो होता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ जानेंगे उसके पार्ट्स के बारे में, जो पार्ट्स है वह कैसे काम करता है या कौन से इन्फेक्शन से हमको बचाता है, उसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, जो WBC होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल, लैम्फोसाइट, इसिनोफिल, मोनोफिल और बेसोफिल, ये 5 तरह के होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं जो न्यूट्रोफिल होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, यह क्या करता है हमारे शरीर के अंदर। तो जो न्यूट्रोफिल होता है दोस्तों, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कोई व्यक्ति अगर बर्न जाए, जल जाए, स्ट्रेस हो जाए, या डायबिटिक एसिडोसिस हो, या हेमोरेज किसी व्यक्ति को हुआ है, तो उस कंडीशन में जो WBC काउंट होता है वह बढ़ जाता है, हमारे शरीर के अंदर इसका लेवल हाई हो जाता है। जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 40 से लेके 70% तक होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक तरीका इम्यून सेल होता है, जो न्यूट्रोफिल है ये भी एक WBC होता है और एक तरीके से ये इम्यून सेल्स होता है, और ये इन्फेक्शन को पहचानता है और पहचान के उससे फाइट करता है, और फाइट करके हमारे जो शरीर होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। दोस्तों, इसको हम ग्रेनुलोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये इन्हीं ग्रेनुलोसाइट्स का यह एक टाइप्स होता है, और साथ ही साथ इसको हम फेगोसाइट्स का भी एक टाइप्स होता है, यानी कि ये फेगोसाइट्स भी, उसको हम बोल नहीं सकते लेकिन फेगोसाइट्स का एक टाइप्स होता है। जो नेक्स्ट WBC होता है वो होता है लैम्फोसाइट्स। दोस्तों, जो लैम्फोसाइट्स होता है वो आज तरह के जितने भी तरह के क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, सिफिलिस होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है और कैंसर सेल्स होता है, ये उनसे फाइट करता है या हमारे शरीर को बचाता है। साथ ही साथ अगर उसकी संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, इसकी जो लेवल होता है, यानी कि लैम्फोसाइट की जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। यह जो लैम्फोसाइट्स होता है दोस्तों, यह ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये सर्कुलेट होता है, और दो तरीके से होता है लैम्फोसाइट्स, यानी कि एक होता है टी लैम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लैम्फोसाइट। लेकिन इसमें दोस्तों, जो बी लैम्फोसाइट्स होता है ना, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी मोलिकुल्स को ये प्रोड्यूस करता है और हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करके बचाता है। जो नेक्स्ट WBC होता है वो होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट दोस्तों क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी अगर मलेरिया इन्फेक्शन अगर हो जाए, किसी व्यक्ति को स्पॉट फीवर हो जाए या टाइफाइड फीवर हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, लंग इन्फेक्शन हो जाए और TB हो जाए, तो इस कंडीशन में जो मोनोसाइट का लेवल होता है वो हाई हो जाता है, और इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 1 से लेकर 10% तक हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंजेस होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई बीमारी अगर होती है, या अगर इसका इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर अगर आता है, तो जो मोनोसाइट का लेवल होता है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है। मोनोसाइट दोस्तों, ये सर्टेन इन्फेक्शन जो होता है उससे फाइट करता है हमारे शरीर को, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं या जो डैमेज सेल्स होते हैं, ये उसको रिमूव करने का भी काम करता है, यानी कि हमारे शरीर से यह बाहर निकालता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो कैंसर सेल्स होते हैं ये उनको मारने का भी काम करता है, यानी कि फाइट करता है। कैंसर सेल अगर हमारे शरीर के अंदर अगर आ जाता है, तो जो मोनोसाइट होता है दोस्तों, ये उससे फाइट करता है, उसको बोलता है तुम बाहर निकलो, उसको साइड करता है, किल करता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो नेक्स्ट सेल्स आता है हमारे शरीर के अंदर होता है इसिनोफिलिया। दोस्तों, जो इसिनोफिलिया होता है ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी इन्फेक्शन हुआ है, अगर अस्थमा हुआ है या हे फीवर हुआ है, तो इस कंडीशन में आप देखोगे जो इसिनोफिल का जो लेवल होता है वो अपने नॉर्मल रेंजेस से हाई हो जाता है, और जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर 6% तक, यानी 1 से लेकर 6% तक हमारे शरीर के अंदर इसका ये मौजूदगी रहता है नॉर्मल रेंजेस के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जो इसिनोफिलिया होता है दोस्तों, यह हमारे शरीर को जो इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होता है ये उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जो सबसे लास्ट सेल्स आता है वो होता है बेसोफिल, यानी कि बेसोफिल का काम क्या होता है। तो दोस्तों, जो बेसोफिल होता है वह हेमोलाइटिक एनीमिया, इरिडेटरीशन, उसके बाद से चिकन पॉक्स, इन सब कंडीशन में आप देखोगे तो जो इसका रेंजेस होता है वह हाई हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज से हाई होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो होता है
जीरो से लेकर 2% तक एक व्यक्ति के अंदर बेसोफिल की संख्या होना चाहिए। जो बेसोफिल होता है दोस्तों वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाता है, लड़ता है, फाइट करता है, और ये क्या करता है कि जो ब्लड क्लोट होता है ये उसको रोकता है, यानी बेसोफिल का काम होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटेड को रोकना। और जो बेसोफिल होता है इसके अंदर एक तरह के नेचुरल हेपेरिन मौजूद होता है जो कि हमारे ब्लड को पतला करने का भी काम करता रहता है। तो इस तरह से ये सारे WBC होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे शरीर के अंदर। जब कोई भी अगर आप टेस्ट करते हो, कोई भी CBC या हीमोग्राम का टेस्ट, उसमें आप देखते हो डिफरेंशियल काउंट करके आता है सारे पैरामीटर, उसके नॉर्मल रेंजेस क्या है और वह कितनी मात्रा में मौजूद है। अगर कम ज़्यादा होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि आपको एक्चुअल में किस तरह का इन्फेक्शन है, किस तरह की बीमारी हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जरूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर देना।